कोई जादू मंत्र टोना कर दी। मिस्टर हस्बैंड, मुझे भी तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं था। गौर से देखो मुझे, मैं हिंदुस्तान की अदालत की वो मुहर हूँ जो तुम्हारे माथे पे लगा दी गई। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं इसी डायलॉग पे बनाने वाली थी वीडियो, मगर मुझे लेट हो गया, इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं कर पाई। क्योंकि डायलॉग पे वीडियोस बनाने के लिए साड़ी पहनने पड़ेंगे, सिंदूर लगाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इस समय बज गया 11 और मुझे लेट भी हो रहा था। हालांकि आज मैं बहुत जल्दी उठी थी, 4 बजे उठ गई थी, 4 बजे अलार्म लगा के, मगर मेरा 4 बजे उठने का मतलब ना उल्टा हो जाता है। जिस दिन मैं सोचूंगी कि आज मैं जल्दी करने वाली हूँ कुछ, राम कसम कुछ ना कुछ उल्टा होता रहता है। हम तो परेशान हो जाते हैं अपने कर्म से, कहते हैं हमसे काहे इतना उल्टा पुल्टा हर चीज़ होता है। दोस्तों, हम कल अलार्म लगाए थे 4 बजे का, ठीक है, अब 4 बज गया। हमने चलो जैसे तैसे करके शांत से उठ गए। वाह निर्जला, तुमने बहुत अच्छा काम किया, हम उठ गए। और उठने के बाद हमने क्या किया फिर कि पहले 20 मिनट तक अपना राम भजन किया अच्छे से कि हम आज करने जा रहे हैं कुछ, भगवान जी हमको शक्ति दीजिए। भगवान जी बोले ठीक है बेटा, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर मैंने क्या किया, छत पे आई, यहीं पर नीचे से छत पे आई और मुझे ठंडी ठंडी हवा लगने लगी। मैंने हवा का मजा लेते लेते एक नींद और मार ली। सब चीज़ें करते करते बज गया 5। अब ले, मुझे ये पता था कि 5 बजे तक मैं एक्सरसाइज करके फ्री हो जाऊंगी, फिर खाना बना लूंगी। अब लेट होने लगा, इधर भी मन भटक रहा, उधर भी मन भटक रहा, क्या करूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा। फिर मैं गई किचन में, किचन में जाके मैंने खीर चढ़ा दी, ठीक है, चलो खुशी हुई कि आज मंगलवार का दिन है और मैंने खीर बनाई सबके लिए। रोज़ रोज़ दाल सब्जी खा खा के सब कोई थक गया था, तो मैंने खीर बनाई। खीर बना के अब सोच रही हूँ खीर तो कोई खाएगा नहीं और रोटी से किसी को अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने फिर से आलू उबाल दी और आलू उबाल के उसके लिए चोखा तैयार करके पूड़ी बना दी। तो मैंने सारा चीज़ें करके जल्दी जल्दी अब सोचती हूँ अब क्या करूँ। तो मैं मुझे लगा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ। आके छत पे देख रही हूँ, धूप तो हुआ है पर बदरी बदरी था। मैंने बोली कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो धूप में ही बनाते हैं, अभी भी हम धूप में बना रहे हैं तो अच्छा बन रहा है। तो हमने सोचा चलो जब तक धूप नहीं है तब तक हम अभी हमारे पास टाइम है, 1 घंटा रेस्ट कर लेते हैं। गाइस, हम 1 घंटा के लिए सोए हैं और हमको बेड़वाई से पकड़ लिया था ना, कहा बताएं हम सो गए 2 घंटे के लिए। अब हमको जब हमारी आँख खुली है ना तो बज गया था 10। ले तो हम बोले अब हम कब साड़ी पहनेंगे, कब तैयार होंगे, तो जल्दी जल्दी से हमने थोड़ा सा बाल रोल किया है और यही कपड़ा जो हमेशा पहनते हैं नॉर्मली इसी को पहन के आ गए हैं छत पे। अब चलते हैं रील बनाते हैं और फाइनली आप लोग बता दीजिए आज मैं कैसी लग रही हूँ। प्यारी लग रही हूँ ना, ये नागिन वाला बनाई हूँ, ये मेरा साफ है, मैं इसकी नागिन। गाइस अभी हम चल रहे हैं रील्स बनाएंगे, नहीं तो लेट हो जाएगा, हर दिन बकवास करते हैं बस, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। ओफ गाइस, आप लोगों से मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। अक्सर मैं जब परेशान रहती हूँ तभी आप लोग से बातें करती हूँ ना, आप लोग को पता चल जाता होगा कि हाँ ये कुछ अपनी प्रॉब्लम बताने वाली है। नहीं, प्रॉब्लम भी है और कुछ अच्छी बातें भी हैं। अच्छी बातें ये है कि आजकल मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, बुक्स लेके बैठती हूँ, मगर जितना वैसे खोलती हूँ ना, खोलते हैं मुझे उंगैया मैया पकड़ने लगती हैं और मैं तुरंत सो जाती हूँ। अभी को भी ऐसे ही हुआ कि मैं बुक खोली और बैठ गई पढ़ने। वीडियो बना के मैंने थोड़ा सा खाना खाया, खाना खा के मैं सोचती हूँ चलती हूँ थोड़ा पढ़ लेती हूँ, तो मैं ऐसे ही छत पे अकेली आ जाती हूँ। तो मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया ना तो तुरंत मेरे को नींद आने लगा। मैंने बोली नहीं भाई, नींद के आगे हारना नहीं है। तो मैंने तुरंत गई नीचे से फ़ोन लेके आई और मैंने सोची आप लोगों से बातें कर लूँ। बातें ये करनी है कि लगता है मुझे कोई जादू मंत्र टोना कर दिया है। ऐसा मेरा नहीं, मेरे घर वालों का कहना है। कहते हैं निर्जला पहले इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिससे लड़ जाती थी, और आजकल देखती हूँ टाइम पे कोई काम नहीं करती हो, ना टाइम पे वीडियो बनाती हो, ना टाइम पे सोती हो, ना टाइम पे उठती हो। तो मैं अपनी मम्मी को कह रही हूँ मैं भूत और जादू मंत्र कुछ नहीं मानती। एक मेरे गले में आप लोग तवीज़ देख रहे होंगे, पहले मेरे में था तो मैंने उसको कल तोड़ दी। तो कल से जब मैं तोड़ दी तो मेरी मम्मी को और लग रहा है कि लग रहा है इसके ऊपर बड़ा वाला भूत हावी हो गया है और इसके हाथों ही इसकी तवीज़ तोड़वा दिया। अरे भाई, वो भूत बेचारा का हाथ काम करेगा तब तो, मैं खुद एक चुड़ैल हूँ, मेरे से पहले वो जीत के दिखाए। गाइस ऐसा कुछ नहीं होता है, ये दुनिया का रीत है, होता है कुछ कुछ होता है, ठीक है, कुछ कुछ इसलिए होता है जो बहुत ज़्यादा जैसे होते हैं ना, दिल करा घूम घूम के बात करें, होता है ये होता है, इधर अंधेरा दिख रहा है ना, इधर आ जाते हैं, वाओ, होता ये है कि जो लोग शक्ति प्रदान किए रहते हैं, जो लोग तपस्या किए रहते हैं, उनके पास शक्तियाँ होती है किसी को कुछ कर देने की। और जो लोग अच्छे लोग होते हैं और रियल में किसी को कुछ नुकसान ही नहीं पहुँचाते हैं,
जो अच्छे बाबा होते हैं, जो भक्ति भजन रियल में करते हैं दिल से, जो त्याग करके भक्ति भजन करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे हिसाब से, होता है तो बस इन लोगों के पास होता है, जो लोग ज़्यादा अच्छे से रहते हैं, ज़्यादा अच्छे से भक्ति करते हैं। और बाकी ये जो लफ पंजु घूमते हैं ना, बस उनका एक बिजनेस होता है, काम ना करना पड़े इसलिए उन्होंने ऐसा वो सब करते हैं। तो मेरी मम्मी परेशान ना हो, मेरे को कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो अच्छा करते हैं ना उनके साथ बुरा अगर होता भी है तो थोड़ी देर के लिए होता है, फिर बाद में ऑटोमेटिक सही हो जाता है। प्रकृति, भगवान, सारे लोग साथ देते हैं जो अच्छा करता है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है, रोती होती हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तो मेरी मम्मी घबरा जाती है कि लग रहा निर्जला गई, तो मैं अभी जाने वाली नहीं हूँ, मेरे को जाने से बहुत डर लगता है भाई, हालांकि जाने के लिए ही आई हूँ मगर मुझे जाना नहीं अभी। तो गाइज बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, और मुझे दिल कर रहा है कि मैं लाइव आऊँ, लाइव आके आप लोगों से बातें करूँ, मगर अभी जब मेरे पास फ़ोन हो जाएगा तब मैं आऊँगी, अभी नहीं आ सकती, क्योंकि जिसका फ़ोन है वो कभी भी कहीं पर भी अचानक से जाना पड़ता है, तो बीच में कोई छोड़ने के लिए कुछ कहता है ना तो बहुत गुस्सा लगता है। हाँ सही बताएं, और हमारी बहन है एक, वो कह रही है दीदी हम तुम्हारे पास आएंगे और हमहूँ वीडियो बनाएंगे। तो हम गाइज हमने अपनी बहन को समझाया, हम बोले देखो वीडियो बनाने बहुत अच्छी बात नहीं है, अभी तुम्हें मौका मिला पढ़ने का पढ़ लो, यहाँ पे गर्मी बहुत होता है। तो मैं जैसे सारी बहनों को समझाती हूँ, सारे लोगों को समझाती हूँ, वैसे मैंने अपनी बहनों को भी समझाया, तो मेरी बहन मुझसे नाराज़ हो गई। उसको भी ये लगता है कि ये अच्छा काम है और मेरी दीदी मुझे करने नहीं दे रही है। मैं बोली देखो अगर मैं वायरल होती, मेरा थोड़ा फिर सहलू होता तो भी मैं साथ तुम्हें मना ही कर दी, क्योंकि जो मेरे पीछे की स्ट्रगल है, जैसे जैसे दुनिया के सामने से मैं गुजरी हूँ, वो चीज़ें तुमको मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम भी उसको छलांग लगा के जाओ। हालांकि इतनी बड़ी नहीं हो गई हो कि जो छलांग लगा लोगी, मैं तो लगा ही नहीं पाई, मुझे खुद झुलसना पड़ा उसमें, तो फिर तुम कहाँ से निकल पाओगे। तो गाइज मैंने जिससे सबको समझाती वैसे अपनी बहन को भी समझाई, फिलहाल उसको बुरा लगा तो खुशियाँ, बुरा ना माना करो हमारी बात, हम समझाते हैं अच्छे के लिए। मेरी बहन का नाम खुशी है, पर वो बहुत दुखी करती है, रियल बताए ना, मतलब सर खा जाती जब हम उसके पास जाते हैं, दीदी ये करो, दीदी वो करो। फिलहाल हम अभी पढ़ने की कोशिश करेंगे, अब नींद टूट गया, ठीक है, अब हम चल रहे हैं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ ओढ़ लें अच्छा रहेगा, कहाँ से पढ़ने से थोड़ा कहते हैं सब लोग दिमाग काम करता है, हमारा दिमाग काम करना बंद हो गया है, लग रहा भूत सब अटैक कर दिए। गाइज हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्यारा प्यारा कॉमेंट करिएगा, और आजकल हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं नहीं जा पा रहे हैं, ये सब देख के हमारे घर वाले ज़्यादा परेशान है, बोल रहे हैं कि तुम अब हमारे हिसाब से काम करो नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, यूट्यूब के लाइन में रहोगे तो देखते हैं। अभी हम मम्मी से बात करने वाले हैं अच्छे से, मम्मी कुछ कहने वाली हैं, पापा भी कुछ कहेंगे, वो सब क्या कहते हैं, क्या उनका निर्णय है हम सब जानते हैं, फिर उसके ऊपर एक ब्लॉगिंग बनाएंगे, क्या करेंगे, कहते हैं शादी करो, ये करो, वो करो, जब नहीं कुछ कर पाएंगे तो परिवार की बात मानेंगे तभी ज़िंदगी सेटल हो पाएगी, क्योंकि अपने से जो करना था वो तो हमने कर लिया, वीडियो बनाने के लिए परेशान रहते थे, वीडियो बनाने का मौका मिला, घर से दूर आए हैं और यहाँ काम कर रहे हैं, कोनो मतलब नहीं निकल रहा है, ज़बरदस्ती कहते हैं घर वालों से, घर वाले बहुत दिन से मना कर रहे हैं कि मत करो मत करो, मगर बेइज्जती हो जाता है जिस काम में ना, तो फिर चैन से नींद नहीं आती है जब तक वो काम ना करो, आप लोग समझ सकते हैं, सपना जब अपनी आंखों के सामने टूटता है तो कितना बुरा लगता है। हालांकि सपना कई तरीके से पूरा होता है, एक बस फॉर्मेलिटी वाला और एक दिखावे वाला और एक दुनिया को जलाने वाला, मगर हमारा जो सपना है, हमारा सपना ये है कि हम उसमें इज्जत, मान सम्मान, पैसा तीनों कमाएं। हालांकि एक साथ तीनों संभव नहीं है, कुछ ना कुछ तो हमें गंवाना ही पड़ेगा, रियली ये तो सच है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। फिलहाल आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा, अभी हम चलते हैं पढ़ लेते हैं, हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारी मन मन लग जाए पढ़ाई में, हम पढ़ लिख लिए तो हमारे पापा हमसे खुश हो जाएंगे।